35वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता जो कि हितकर्णी महिला महाविद्यालय करमचंद चौक जबलपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें हिमालय स्कूल नेवरी के 7 खिलाड़ियों ने अपने अपने आयु और वजन समूह में भाग लिया। टीम कोच विनोद सोलंकी, टीम मैनेजर दीपक पवार, राम पाटीदार ने बताया कि 48 किलोग्राम वजन समूह में राजवीर साकला ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उबैद कुरैशी, रुपेश जाट, सुफियान मंसूरी ने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रजत पदक प्राप्त किया। मानसी मालवीय ने 35 किलोग्राम वजन समूह में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर कांस्य पदक प्राप्त किया। वह श्रेया पाटीदार और वंशिका पाटीदार ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कोच विनोद सोलंकी ने बताया कि प्रतियोगिता में 20 जिलों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महानायक दी ग्रेट खली रहे। खिलाड़ियों के नेवरी आगमन पर सभी खिलाड़ियों के पालकगण, विद्यालय के समस्त स्टाफ और विद्यार्थियों द्वारा उनका पुष्पमाला, आतिशबाजी, बैंडबाजे के साथ बरोठा फाटे से विद्यालय तक भव्य स्वागत किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। गोल्ड मेडल प्राप्त किया है आज हमारे हिमालय स्कूल में। बड़े गर्व की बात है कि हमारे बच्चे जबलपुर से जीत के आए, हमारे गाँव का, हमारे स्कूल का और हमारे पूरे जिले का नाम रोशन किया। हम आज पूरा हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है कि हमारे बच्चों ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीतकर गोल्ड सिल्वर मेडल प्राप्त किए। बता सर, स्टेट लेवल पर बॉक्सिंग प्रतियोगिता बच्चों ने स्वर्ण पदक और सिल्वर पदक प्राप्त किया है। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 35वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि जबलपुर में आयोजित की गई थी, इसमें हमारे विद्यालय के 7 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, 3 गर्ल्स और 4 बॉयज ने, जिसमें 3 तो सिल्वर मेडल और 1 स्वर्ण पदक हमारे विद्यालय के बच्चों ने जीता है। और पूरे देवास जिले से ये टीम कम से कम 40 से 50 बच्चों की बनके गई थी और इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। बच्चे बहुत अच्छे से खेल के आए हैं और इन्होंने अपने जिले का ही नहीं, अपने माता पिता व अपने स्कूल व अपने परिवार सभी जनों का नाम रोशन किया है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है आज हिमालय स्कूल में बड़े गर्व की बात है। अरे फिर से वही वीडियो चल रही है, घुमाओ मत उसको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।